दोस्तों, एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम को 10 विकेट से रोनने के बाद अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचों सीरीज खेलनी है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों, अब एशिया कप समाप्त हो चुका है और अब ऑस्ट्रेलिया टीम की बारी है। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचों सीरीज खेलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा, तो वही एशिया कप के फाइनल मुकाबले कौन भूल पाएगा। सभी को उम्मीद थी कि श्रीलंका टीम भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अकेले मोहम्मद सिराज ने ही पूरी श्रीलंका टीम के खिलाड़ियों की कमर तोड़कर सिर्फ 50 रन के स्कोर पर ही उनको ढेर कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि अब भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और बता दें, वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच 3 वनडे मैचों सीरीज खेली जानी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देगी और वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीमों के लिए परफेक्ट तैयारी होगी। बता दें, इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 22 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे से मोहाली में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मैच 24 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे से इंदौर में खेला जाना है। तो वहीं तीसरा वनडे 27 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। तो वहीं इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। आपको बता दें, इस वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया है। तो वहीं हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान होंगे और बल्लेबाजी के रूप में सुमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन होंगे। तो वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो इसमें रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल शामिल हैं। और बात करें गेंदबाजी की तो इसमें जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज होंगे। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया टीम को हराने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा एशिया कप जीतने के बाद अब वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम को दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमत जरूर देना। धन्यवाद।